एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी। 13 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी तो जारी है, मगर स्कूलों को कोरोना से हिफाजत का सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं मिल सके। आपको बताएं, स्कूल सरबराहान हैंड वॉशिंग पॉइंट, साबुन, सैनिटाइजर्स और टेम्परेचर चेकिंग आलात खरीदने से कासिर। पंजाब में जो 48,000 स्कूल है इनके लिए 3 अरब के करीब फंड जारी होने, और इस हवाले से उजरे तालीम स्कूल मुरादराज भी 2 दफा ऐलान कर चुके हैं कि जल्द स्कूलों को फंड जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद जो है ताहाल स्कूलों को फंड जारी नहीं हो। लगता यही है कि 7 सितंबर को जो तमाम वज़ीर तालीम की जो कॉन्फ्रेंस होगी उनके अंदर यही फाइनल फैसला किया जाएगा कि 15 सितंबर से मुल्क भर के अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों, उस हवाले से कोई न्यू अपडेट आती है कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो वो भी आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाएगी। और आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्या राय है, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 15 सितंबर से पहले खोल देने चाहिए या 15 सितंबर से खोलने चाहिए या 15 सितंबर के बाद खोलने चाहिए, आपको क्या लगता है कोरोना की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर अब कैसी है, तो आप अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट लाजमी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।